करके ये देखिए इस डायरेक्शन में, इसको पीछे की तरफ आपने इसको है कद्दूकश करना है, ठीक है? ठीक है, अब इनके पानी को अच्छे से निचोड़ना है इस तरह, क्योंकि हम लोगों ने रोटियां बनानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से इसको मिक्स करके हम ये अंदर से कितना मज़ेदार और शानदार लग रहा है। व्यूवर्स, आप लोगों को मुझे क्योंकि नाज़िम एक बार से फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मज़ेदार से मूली के पराठे बनाने की तरकीब। तो यहाँ पर मूलियों को जो सा मैंने छील के रख ली है, और यहाँ पर हम लोगों ने करना है इनको कद्दूकश, ठीक है? इस तरह से आपने पकड़ के ये देखिए इस डायरेक्शन में, इसको पीछे की तरफ आपने इसको है कद्दूकश करना है, ठीक है? ये देखें, तो इसी तरह जितने भी ये पीसेज हैं सबको मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम लोगों ने डालने हैं मज़ेदार से मूली के पराठे बनाने के लिए, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने अब इनको जो सा कद्दूकश कर लिया है, ठीक है? अब इनके पानी को अच्छे से निचोड़ना है इस तरह, क्योंकि हम लोगों ने रोटियां बनानी हैं। और अमूमन जो लोग मतलब पराठों से भागते हैं, हम भी मतलब पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर मेरी मम्मा ने हमें जब बना कर दिए इस तरीके से, मतलब इसका पानी निचोड़ के अच्छे से, तो फिर हमें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही पसंद आए। तो इसीलिए ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया ये, ठीक है? इस फॉर्म में ला के हम लोगों ने इसको रख देना है। हमने फिर पसंद किए, और आज उसी तरकीब से जिस तरह मम्मा बनाते रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इसको हम साइड पे कर देते हैं और अब हम यहाँ आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मूलियाँ बिल्कुल जो सी है वो ड्राई हो गई हैं, ठीक है? यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने काट के रख ली हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो से वो स्पाइसेस ऐड करने हैं, एक चम्मच ज़ीरे का, और एक ही चम्मच भर के जो सा है वो मैं सूखे धनिए का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हसबे ज़रूरत नमक हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर दें, ठीक है? और एक चम्मच जौन सा है वो सुरख मिर्च का हम लोग शामिल कर रहे हैं। सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से जौन सा है वो मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से इसको मिक्स करके हम लोगों ने, आप लोग धनिया चाहें तो धनिया भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन वाइट रेड इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल की हैं, ये देखें, अच्छे से मिक्स करके बेहतर है कि आप इसको थोड़ी देर, बिल्कुल ये ड्राई है देखें, ठीक है? तो इसी तरह आप लोगों ने इसको कर लेना है, क्योंकि इसका जो कड़वा कड़वा पानी होता है ना, वो हमने इसमें से निकाल लिया, इसकी वजह से जो से ये पराठे हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही शानदार बनेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करके जो से आधा पौना घंटा छोड़ दें, ताकि जो से इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह वो रच जाएँ और जो हमारे पराठे हैं वो मज़ेदार बने, ठीक है? तो अब मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, और बाद में आपको रोटियाँ बनाकर दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने इसकी रोटी बेल के इसके ऊपर जितनी वो मूलियाँ हैं वो सब के सब ऊपर मतलब लगा दी हैं। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो सा है वो घी भी शामिल करूँगी, ताकि ये जो रोटी हमारी रूखी सूखी सी ना बने इस तरह से, ठीक है? बाकी रोटियां मैंने बना ली हैं, तो एक रोटी मैंने कहा आप लोगों के सामने यहाँ पे मतलब सिंपल इसको बेल के इसके ऊपर जो सी ये मिक्सर को सारा डाल के हम लोगों ने दूसरी परत रख देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हमने इसकी दूसरी परत को इसके ऊपर अच्छे से फैला लेना है। अच्छा, मम्मा जब रोटी बनाते थे वो तो मतलब इसके ऊपर से बंद करके ना परत को इसको बेल लेते थे, लेकिन मैं मतलब बेलती नहीं हूँ, मैं इसी तरह ना इसको इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करके इसी तरह इसको फैला लेती हूँ, और फैला के फिर जो सा मैं इसको तवे पर डाल देती हूँ, मैं मतलब इसको बेलती नहीं हूँ। तो अब इसको अच्छे से जो सा इसी तरह मैंने फैला के बंद करके इसके जो कोने हैं उसको फिर मैंने तवे पर डाल देना। ये तो व्यूअर्स, अब रोटी मैंने जो तवे पर डाल दी, अब हमने एज मुझे आपको पता है कि जब इसकी साइड पक जाएगी तो फिर हम लोगों ने इसको चेंज करना है। थोड़ा सा मैं घी डाल दी इसके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि वरना जब हम इसको साइड चेंज करेंगे तो वो घी आप पर खुद भी गिर सकता है। तो इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा हम लोगों ने गोल्डन कलर देना है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं बनाना कि ये जल जाए, ठीक है? तो अब इसको हम लोग एक साइड को कुक करने के दूसरी साइड में आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, इसकी साइड जो सी है इस पर ये इस तरह निशान पड़ गए हैं, इसका मतलब ये कि जो सा हमारा पराठा अभी फुली कुक नहीं हुआ, लेकिन अब हम इसके साइड को चेंज कर सकते हैं। इस तरह हमने इसको गोल्डन क्रिस्पी क्रिस्पी सा कलर दे लेना है। तो मैं दूसरी साइड भी आपके सामने चेंज करती हूँ। माशाल्लाह, ये देखें कितना मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी सा जो सा हमारा मूली वाला पराठा तैयार हो रहा है। तो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा मूली के पराठे बनते, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोग इसकी रेसिपी को शेयर किया जाए। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आए, कि पसंद आए तो हमें अपने फीडबैक दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो अब मैं इसको मुकम्मल तौर पे बनाने के बाद आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मज़ेदार सा मूली का पराठा हो गया है तैयार। ये है इसका फाइनल लुक, क्रिस्पी क्रिस्पी सा ये बहुत है।
तो मैं आपको ज़रा खोल के भी दिखा दूँ, क्योंकि अभी गर्म बहुत ज़्यादा है। ये अंदर से कितना मज़ेदार और शानदार लग रहा है। तो व्यूअर्स, ये गर्मा गर्म पराठे के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। इस मज़ेदार से मूली के पराठे को बना के हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।